हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। मैं राजन भारद्वाज, और जैसा कि आज हम अपना ब्लॉग बनाने जा रहे हैं, और इस समय हम स्वस्थ हो चुके हैं। डेंगू हमें भी हो गया था, और डेंगू का समय से इलाज स्टार्ट हो गया, जिससे कि स्थिति नॉर्मल बनी रही, नहीं तो बहुत ही सीरियस हो गए होते। फिर भी हो गए थे, अपने से दवा लिए थे 2-4 दिन। और इसमें सबसे पहले तो हम आपको ये बता देना चाहिए हमें कौन कौन सी दवा लगी थी और कौन सी जांच कराए, और कैसे हमने मालूम हुआ कि ये डेंगू का, CBC से ही हमें मालूम हो गया कि डेंगू का लक्षण है, जिससे दवा स्टार्ट हो गया था। तो सबसे पहले जब हमें डेंगू, इस समय ये भी बता देना चाहेंगे कि इस समय बनारस में डेंगू बहुत ही तेज़ी से विस्तार है उसका। लगभग 21 अगस्त से तो पानी जब घटा वहाँ पे, सब पानी उनी भर गया था, पानी उनी जब से घटा वहाँ पे डेंगू का प्रकोप भी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। और ये बता देना चाह रहे हैं कि लगभग, अगर सरकारी आंकड़ों की बात करें, तो लगभग डेंगू के मरीज, संभावित मरीज वहाँ पे 1500 इस समय हैं, और वैसे डेंगू का कन्फर्म केसेस 150 करीब है, बस सरकारी आंकड़ों के अनुसार। वैसे तो डेंगू के डेली मरीज निकल रहे हैं वहाँ पे प्राइवेट अस्पतालों से, प्राइवेट लैबों से, तो सब छोड़ ही दीजिए। तो उसमें हमें भी डेंगू हो गया था, और अपना CBC जांच हमने करवाया था, तो उसमें हमारा न्यूट्रोफिल बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, लिम्फोसाइट घट गया था, और इशनोफिल 0 हो गया था। और प्लेटलेट तो हमारा उस समय लगभग लोग प्लेटलेट ही देखते हैं, और टोटल काउंट देखते हैं कि उससे कहते हैं कि डेंगू है, अगर टोटल काउंट घटा रहता है, TLC जिनको हम WBC बोलते हैं, तो बोलते हैं लोग डेंगू का लक्षण है, और प्लेटलेट उसके साथ घटा रहता है। पर हमारा दोनों नहीं घटा था, हमारा प्लेटलेट 1,89,000 था, और टोटल काउंट हमारा 5,000 कुछ था, जो कि नॉर्मल रेंज में ही था। पर हमारा न्यूट्रोफिल जो कि बढ़ चुका था, और लिम्फोसाइट जो कि घटा था, और इसनोफिल भी हमारा 0-0 हो गया था। तो इस CBC देख के तो मालूम हो गया कि डेंगू का, जैसा कि CBC के आधार पर हमने अपने दवा का स्टार्ट कर दिया था, डेंगू का ही दवा चलवा रहे थे, तो नहीं आराम हुआ। तो 2 दिन बाद हमने तीसरे दिन अब कंफर्मेशन टेस्ट के लिए डेंगू एलाइजा मेथड द्वारा टेस्ट करवाया, जिसमें वैल्यू देता है कितना वैल्यू है, पॉजिटिव है। तो तीसरे दिन जब हमने करवाया तो कन्फर्म हो गया, NS1 हमारा पॉजिटिव था, 3.10 उसकी वैल्यू थी। तो हमने 2 दिन तक तो स्वयं दवा डेंगू का लगवाए थे, बाकी तीसरे दिन एक एडवाइस तौर पे एक लोग डॉक्टर की सलाह पे दवा लगाने आते थे, तो फिर भी फीवर उतर नहीं रहा था। लगभग 4 दिन तक ऐसे ही फीवर बना रहा, तो 5वें दिन हमें तब प्लेटलेट भी घट रहा था, डेली प्लेटलेट घट रहा था, जिसके वजह से 30-35,000 घट रहा था, जिसके वजह से हमने एडमिट लेना पड़ा। तो एडमिट लेने के बाद जिस दिन हमने एडमिट लिया, उस दिन हमारा प्लेटलेट घट के 93,000 हो गया था। बाकी डेली हम CBC करवा भी रहे थे, क्योंकि बड़ा डर था प्लेटलेट घट जाता ज़्यादा तो बहुत दिक्कत हो सकती थी। तो हमने 93 पे एडमिट लिया, तो जिस दिन एडमिट लिया उस दिन तो बहुत ही ज़्यादा फीवर था, उतर ही नहीं रहा था। लगभग रात को 12-1 बजे जाके फीवर उतरा, और हमारा उस दिन भी प्लेटलेट घटा था एडमिट होने के बाद। फिर उसके लगभग 3 दिन तक घटा था, 93 जिस दिन एडमिट लिया उसके बाद घट के आ गया था 68,000, उसके बाद घट के आ गया था 67,000। फिर चौथे दिन जाके हमारा प्लेटलेट बढ़ा थोड़ा, 1,02,000 हो गया था। बाकी 5वें दिन भी हमारा प्लेटलेट बढ़ा, लगभग 2 लाख के करीब हो गया था। तो फिर हमने डिस्चार्ज वहाँ से ले लिया, मेडिसिन वेडिसिन लेके, बाकी मेडिसिन ढेर सारी थी। तो 5वें दिन हमें डिस्चार्ज मिल गया, और फीवर भी लगभग उतर चुका था। लगभग 7-8 दिन फीवर लगातार बना रहा, एडमिट होने के बाद भी चौथे दिन से फीवर कंट्रोल हुआ, चौथे-पाँचवें दिन, उसके बाद नॉर्मल हो गई जब प्लेटलेट तेज़ी से बढ़ने लगा, तो वहाँ से हमें डिस्चार्ज मिल गया। कौन सी दवा हमें लगी वो हम एक बार आपको बता देना चाह रहे हैं। हमें मोनोसेप 2 ग्राम लग रहा था सुबह शाम, उसके बाद RT-SUNET इंजेक्शन होता है जो 120 mg का एंटी मलेरियल ड्रग है, वो हमें लगा था, 120 mg का लगता था मॉर्निंग में, और उसके साथ हमें लगता था
एम्पॉक्सिन, एम्पॉक्सिन जो कि 2 ग्राम हमें लगता था सुबह और शाम। और जैसा कि आप लोग डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं दवा सब, और उसके साथ एसिलाक, हेपमज, पेंटाफ और फ्लूड सब थे, फ्लूड RLD5DNS। और हमारा जैसा कि फीवर ज़्यादा रहने की वजह से OTPT भी बढ़ गया था। OTPT बढ़ने की वजह से SGOT SGPT इसको पूरा बोलते हैं, तो लीवर जिसे सूजन हो जाता है लीवर में बढ़ने पे, तो हमारा बढ़ा हुआ था, तो उसके लिए हेपामर्ज हमें लगता था जो कि लीवर को कंट्रोल करता था। तो ये सब दवा हमें लगती थी। फिलहाल 3-4 दिन हम अपने से ट्रीटमेंट भी लिए थे, एक डॉक्टर की सलाह पे आराम नहीं हुआ, फिर एडमिट होना पड़ा हमें। तो ये सब जो हम दवा बताएं हमें लगा हॉस्पिटल पे, तो जाके आराम हुआ और इस समय हम अपने गांव में आ चुके हैं और देख पा रहे हैं। और हम आपको दिखा दें आसपास के नज़ारे। इस समय थोड़ा हम सिवान में आके हवा वाल ले रहे हैं, स्वस्थ हो चुके हैं जैसा कि हम, तो दिखा दे रहे हैं आपको हम। ये है पंपी सेट है यहाँ पे छोटा सा एक, और इस पंपू सेट पे हम आए हैं, तो यहीं पे वीडियो हम शूट कर रहे हैं। और ये देखिए हमारे इंद्रासन अंकल है जो कि कपड़ा धोने जा रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। और पंपी सेट में ले जाके कपड़ा धोएंगे सब। और ये देख पा रहे हैं छोटी सी गढ़ई है जिसपे मछलियाँ सब जिलाई गई हैं। और ये भाई लोग हैं हमारे जो कि देख इतना अच्छा हवा चल रहा है, और इस हवा का आनंद लोग नीचे बैठकर नहीं पेड़ पर बैठ के ले रहे हैं, देख पा रहे हैं। मजा आजकल पेड़ का ही मजा है। अरे इसका लालू है, छोटू है। हेलो दोस्तों, हम लोग तो जैसा कि आप लोग देख चुके हैं, इस समय गांव में एकदम हरियाली छाई हुई है, जिधर देखो उधर हरियाली, उधर जैसा कि आपको हम दिखा देना चाहेंगे कि देखिए सब धान की खेती है। अभी धान तैयार हो रहा है, पौधे धान के पौधे तैयार हो रहे हैं, सब धान की खेती है। आप जितना देख पा रहे हैं हरिया दिख रहा है, सब धान की खेती है, ये सब धान की खेती है। अभी धान तो फूटा नहीं है बाकी। अरे लालू यार, आप लोग अमृतवा कच्चा खा रहे हो, देख रहे हैं कि ये लालू अब वही बच्चा अमरुद है, अभी बड़ा भी नहीं हुआ और एक खा रहा है कच्चा अमरुद। हवा पानी मिल जाए तो मेरा कुछ थोड़ा मुंह में जाएगा, सही मुझे जाएगा। हाँ, नमक उमक लेते आए होते हैं? नहीं जान दो। तो देख पा रहे हैं इस समय गांव का मौसम बहुत ही सुहाना है। और ये सब ये अमरुद का पेड़ था, छोटा सा अमरुद का पेड़ है। बाकी ये सब आसपास के इलाके आप देखेंगे अगर, तो चारों तरफ हरियाली है, खाली मैदान है, एक खाली मैदान है, इसमें हम लोग क्रिकेट विकेट खेलते थे। बाकी इस समय घास जम चुकी है बरसात की वजह से, नहीं तो बहुत ही भीड़ होती थी क्रिकेट में। और मौका आप कहाँ मिला है क्रिकेट खेलने का, तुम हम लोग क्रिकेट खेलते ही नहीं है, बाकी बीमारी की वजह से घर आए थे। अब लगभग स्वस्थ हो चुके हैं, लगभग 99%, थोड़ा बहुत रेस्ट पे हैं, अब 1-2 दिन बाद हम चल रहे हैं अपने वर्क पे। बाकी ये सब देख पा रहे हैं एकदम चारों तरफ हरियाली है। वैसे तो गांव में बहुत से ब्लॉग बनाने के लिए जगह है बहुत सी, बाकी उतना घूमना फिरना भी नहीं है, तो हम ब्लॉग भी नहीं बना पा रहे हैं। चलिए तब छोटा सा वीडियो था, अब इसको हम समाप्त कर रहे हैं। और लालू कुछ कहना चाह रहे हैं, हाय बाय दर्शकों, क्या कहना चाहेंगे, हाय दोस्तों बाय। और छोटू हम तो नहीं कुछ कहना चाहते। छोटू सुने आप भी यूट्यूब चैनल बनाए हैं, आपका चैनल का नाम क्या है? धीरज राजभर। धीरज राजभर, उसके आगे पूरा बताइए चैनल। बीपी, धीरज राजभर बीपी। ते हैं भाई, अभी इनको सीख रहे हैं यूट्यूब पे क्या कैसे काम किया जाता है, इनको धीरे धीरे हम बता रहे हैं। अभी सब इनके कॉपी राइट है इनके वीडियो पे, तो बाकी अब धीरे धीरे अगर 2-3 दिन हम रहेंगे तो इनको बता देंगे, आगे चल के क्या पता एक सक्सेस यूट्यूबर बन जाएं। अभी तो फिलहाल इनको भी नहीं मालूम कि यूट्यूब से इनकम आता है, हमें भी नहीं मालूम था वीडियो से इनकम आता है, बाकी अब धीरे धीरे मालूम होगा यूट्यूब पे रहते रहते। तो ठीक, बाय बाय।